अभी चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो क्या कलश रखने का क्या शुभ समय होगा, किस तरीके से लोग पूजा करें? देखिए, नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। वैसे तो किसी भी समय करना उत्तम रहता है, लेकिन अमृत और लाभ के चौघड़िया को देखते हुए 10:46 से 1:58 तक जो है उत्तम समय है। इस बीच में घट स्थापना करना जो है बहुत ही उत्तम रहेगा। वैसे तो पहले तो प्रयास है कि दोपहर से पहले ही जो है घट स्थापना करना चाहिए। दोपहर से पहले ही जो है 10:46 से और 1:58 के बीच में जो है कोई समय देखें, और उस बीच में घट की स्थापना करने से निश्चित रूप से जो शुभ फल की प्राप्ति होगी। किस तरीके से लाभ हो, क्या विशेष पूजा करें? देखिए, नवरात्र के अवसर पर हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति बहुत स्पष्ट है, जो लोग वैदिक विद्वानों के द्वारा पूजा अर्चना कराना चाहते हैं वो किसी वैदिक विद्वान का वरण करने के बाद घर में वेदियों का निर्माण कराते हैं और उनसे जो है विधिवत जो है भगवती का जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका पूजन कराते हैं। जो लोग स्वयं करना चाहते हैं वो घर में एक चौकोर वेदी बनाए, जो 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी 1 हाथ ऊँची, उस पर भगवती का यंत्र या प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत जो है उनका पंचोपचार से अथवा षोडशोपचार से उनका पूजन करें। धूप दीप गंध नैवेद्य अर्पित करते हुए बाद में दुर्गा सप्तशती का जो पाठ कर सकते हैं वो पूरा पाठ करें, जो नहीं कर सकते वो केवल जो 4 स्तुतियां हैं प्रथम अध्याय की, चतुर्थ अध्याय की, पंचम अध्याय की और एकादश अध्याय की जो स्तुतियाँ हैं वो करने से भगवती प्रसन्न होती है और उनको संपूर्ण जो है सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है।